आइए बैठिए। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपका नाम क्या है? जी सर, मेरा नाम रंजीत कुमार भारती है। रंजीत जी सर। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर हम पलामू जिला के रहने वाले हैं। पलामू जिला के रहने वाले हैं जी सर। आपने इलेक्ट्रीशियन का ट्रेनिंग लिया है? जी सर। अच्छा अच्छा, ये बताइए आप, इलेक्ट्रिकल का जब आप पढ़ाई कर रहे थे तब क्या क्या चीज़ें वहाँ पे सीखे हैं? सर इलेक्ट्रिकल में हम बहुत कुछ सीखे सर, जैसे इलेक्ट्रिकल टूल हो गया सर, इलेक्ट्रिक सेफ्टी किट हो गया, पीपीई किट हो गया। अच्छा सर, मोटर के बारे में, वो मोटर वाइंडिंग हो गया सर, ट्रांसफार्मर हो गया, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग सर। चलिए ठीक है, तो ये आप बताइए, आप जो इलेक्ट्रिकल टूल्स के बारे में आप जानकारी लिए हैं जी सर, तो यहाँ पे कुछ टूल्स रखा हुआ है जी सर, इसमें आप बता सकते हैं कि इसमें हैंड टूल्स कौन सा है? जी सर। दो का नाम बताइए तो सर। ये हैंड टूल रहा, ये क्या नाम है उसका? सर इसका स्क्रू ड्राइवर नाम है। कौन सा स्क्रू ड्राइवर? सर ये स्क्रू ड्राइवर सर दो प्रकार के आता है, एक फ्लैट रहता है, एक स्टार स्क्रू ड्राइवर रहता है, तो ये फ्लैट स्क्रू ड्राइवर है सर। वो ये फ्लैट है जी सर। फ्लैट स्क्रू ड्राइवर है ना जी। स्टार वाला? स्टार वाला सर ये रहा, ये स्टार टाइप बना रहता है, वो स्टार प्लस बना हुआ है जी सर। ठीक, प्लस वायरिंग जब हम लोग करते हैं जी सर, तो अंडरग्राउंड वायरिंग के लिए कौन सा पाइप इस्तेमाल करते हैं? सर कंड्यूट पाइप होता है जो सर पीवीसी का बना होता है। कंड्यूट पाइप होता है जो पीवीसी का होता है जी। अच्छा चलिए, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलता है इलेक्ट्रिकल में, जब हम लोग काम करते हैं तो लोग बहुत सेफ्टी का ध्यान नहीं देते हैं जी सर। तो अभी जैसे आपने बोला कि सेफ्टी के बारे में भी हम लोग को पढ़ाया गया है, तो यहाँ आप जब आप चालू लाइन में जब लाइन रहेगा उसमें, तो आप जो है क्या चीज़ प्रोटेक्शन ले करके, कौन सा प्रोटेक्शन आप लीजिएगा जिससे आप जाइएगा काम करने के लिए तो आपको झटका नहीं लगेगा? चालू लाइन, लाइन जो जहां आप काम करने जा रहे हैं वहां पे करंट है जी सर। सर नॉर्मली दो सेफ्टी किट रहेगा तो चलेगा, जैसे एक स्विच हो गया सेफ्टी स्विच और एक सर हैंड ग्लव्स। सेफ्टी स्विच हो गया और हैंड ग्लव्स। अच्छा, ये जो आपका हैंड ग्लव्स है और सेफ्टी स्विच है, ये कौन से मटेरियल का बना होना चाहिए, कौन से पदार्थ से? सर ये इंसुलेटर का होता है सर, जो रबड़ होता है सर, ये इंसुलेटर में सबसे अच्छा माना गया है। चलिए ठीक है, अच्छी बात। अभी आप बोल रहे थे कि जो आप लोग पाइप इस्तेमाल करते हैं जी सर, वो कंड्यूट पीवीसी पाइप होता है, तो पीवीसी का फुल फॉर्म बताइएगा? सर पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है सर। पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। अच्छा चलिए ठीक है, तो थोड़ा सा ये बताइए कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या अंतर है? सर कंडक्टर में उष्मा और विद्युत धारा को जानने देता है, और सर इंसुलेटर में जैसे एग्जांपल सर हो गया आयरन हो गया सर, कॉपर हो गया, पीतल हो गया, चांदी हो गया, सोना ठीक है। इंसुलेटर का बताइए सर। इंसुलेटर सर वैसा पदार्थ आता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। जैसे सर रबड़ हो गया, बेकेलाइट हो गया। अच्छा ठीक है, तो अच्छा ये बताइए हमें जो मरकरी होता है जी, मरकरी सुने हैं? जी सर। मरकरी एक ऐसा आपका धातु है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है जी सर, है ना, तो वो कंडक्टर है कि इंसुलेटर है? सर वो कंडक्टर है। कंडक्टर है जी सर। उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल में इस्तेमाल करते हैं कहीं पे लाइन आने जाने के लिए? इलेक्ट्रिकल में सर मरकरी का यूज सर, एक लाइट आता है मरकरी टाइप, मरकरी सर लंबा वाला रहता है, उसमें सर उसका यूज होता है। मरकरी वेपर लैंप। और ट्यूबलाइट में भी डाला जाता है कुछ मात्रा में? ट्यूबलाइट इस्तेमाल करते हैं आप लोग? ट्यूबलाइट जी सर, है ना उसमें। अच्छा ये बताइए कंडक्टर इंसुलेटर से ही एक सवाल और पूछ रहे हैं आपसे, कार्बन जो होता है जी सर, वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है? सर कार्बन कंडक्टर है। कार्बन कंडक्टर है जी सर। अच्छा बहुत अच्छा कंडक्टर है क्या? नहीं सर, बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है। अच्छा मतलब कंडक्टर जी सर, कंडक्टर में आता है। तो एक आप देखते होंगे जो पंखा है, मोटर है, ये सब में एक व्हाइट सा डिवाइस लगा रहता है जी सर, उसको हम लोग कंडेंसर बोलते हैं जी। क्या काम है उस कंडेंसर का, क्या है कंडेंसर, क्या है? सर वो सर विद्युत ऊर्जा को सर अपने अंदर स्टोर करता है अस्थिर ऊर्जा के रूप में। अच्छा, स्थिर ऊर्जा के रूप में अपने अंदर स्टोर करके रखता है इलेक्ट्रिसिटी को जी सर। अच्छा चलिए, जो मोटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं जी,
जैसे बल्ब हम लोग खरीदते हैं, पंखा खरीदते हैं, तो वाट में हम लोग बोलते हैं जी सर, है ना, कि 100 वाट का है, 15 वाट, 20 वाट जो है। तो मोटर का हम लोग एचपी में लेते हैं जी सर, एचपी ना। एचपी का फुल फॉर्म क्या होता है सर? एचपी का फुल फॉर्म सर, एच से हॉर्स हो गया, पी से पावर, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर जी सर। तो ये बताइए कि एक एचपी में कितना वाट होता है सर? 746 वाट होता है। 746 वाट, 46 वाट होता है जी। अच्छा चलिए ठीक है। तो ये बताइए जो ट्रांसफार्मर है जी, ट्रांसफार्मर में स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है वो कहाँ पे लगता है? स्टेप अप सर, जहाँ सर बिजली बनता है सर, वहाँ पे ही सिर्फ स्टेप अप का इस्तेमाल होता है, बाकी सभी जगह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज होता है। अच्छा, बाकी जगह पे स्टेप डाउन का यूज होता है। चलिए ठीक है। ये बताइए जो बल्ब देख रहे हैं 100 वाट वाला बल्ब जी, उसके ऊपर जो ग्लास लगा होता है जी सर, वो कंडक्टर होता है या इंसुलेटर होता सर? है सर, वो इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर होता है, होता है। एक बैटरी अगर हमारे पास है जी, बैटरी क्या करता है सर? बैटरी सर डीसी वोल्टेज को स्टोर करके रखता है। अच्छा, डीसी को स्टोर करके रखता है, ठीक है जी। तो बैटरी में कुछ चेकिंग किया जाता है, तो उसका एक स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक होता है ना, तो वो कौन से चीज, किस चीज से चेक किया जाता है, आपको पता है सर? वो एक मीटर होता है जिसका नाम सर हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर, गुड। हाइड्रोमीटर से स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक होता है किसका? बैटरी का। अच्छा, तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई इस रूम में या कहीं पे भी अब तो बिना इलेक्ट्रिकल के तो कुछ संभव है नहीं, नो सर, ना। तो जो वायरिंग होता है वो सीरीज में किया जाता है घरों में या पैरेलल में? सर घर का वायरिंग सर पैरेलल में किया जाता है। पैरेलल में किया जाता जी है। स्ट्रीट लाइट में जो वायरिंग किया जाता है वो? सर वो भी पैरेलल में ही होता वो है। भी पैरेलल में होता है जी सर। तो फिर सीरीज कहाँ पे करते हैं सर? सीरीज का, सीरीज वायरिंग का उपयोग कहाँ पे करते हैं? सर जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन होता है दुकान वुकान में सर, कुछ चीजें अगर वाइंडिंग करता है तो वहाँ सर एक सीरीज बोर्ड बना के रखता है। अच्छा, टेस्ट बोर्ड होता है वो? ये सीरीज टेस्ट, सीरीज टेस्ट बोर्ड इसको बोलते हैं जी सर। थैंक यू। और कहीं पे सीरीज का इस्तेमाल? और सर एक होता है सर जो झालर लाइट होता है सर, उस वहाँ पे सर सीरीज कनेक्शन देखने को मिलता है। अच्छा, जो डेकोरेशन लाइट सजावट के लिए छोटी छोटी लाइटें इस्तेमाल होती है उसमें किया जाता है, ठीक है। और ये बताइए हमें कि जो बिजली खपत अगर हमें निकालना हो जी, कितना बिजली खर्च हुआ है उसका फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिकल पी इक्वल भी नहीं सर, पी इक्वल अच्छा ठीक है। आगे बताइए कि फ्यूज रेटिंग और फ्यूजिंग करंट में क्या अंतर है? फ्यूज रेटिंग और फ्यूजिंग करंट के में सर, फ्यूज रेटिंग का सर मतलब होता है करंट का वह अधिकतम मान जिसमें फ्यूज में असामान्य रूप से बिना गर्म हुए विद्युत करंट पास हो जाता है, तो सर फ्यूज रेटिंग होता है। और फ्यूजन करंट होता है सर फ्यूज में करंट का न्यूनतम मान, जहाँ फ्यूज गल जाता है वो फ्यूजन करंट होता है। अच्छा, यानी कि जो आप फ्यूज में जो करंट जाता है, यानी कि आप बोल रहे हैं कि जो अधिकतम मान उसमें से करंट जा सकता है जी सर, बिना फ्यूज को कोई नुकसान हुए जी, है ना, यानी कि असामान्य रूप से गर्म ना हो जी, उसको हम लोग फ्यूज रेटिंग कहते हैं जी सर। और जहाँ वो कम से कम मान, जिस मान पे करंट का वह मान जिस पर करंट फ्यूज आपका गल जाता हो, यानी कि उड़ जाता हो जी, उसको फ्यूजिंग करंट, फ्यूजिंग करंट चलते जी सर। ठीक है, गुड। ये बताइए जो सोल्डरिंग हम लोग उपयोग करते हैं जी, तो सोल्डरिंग क्या है, क्यों करते हैं सोल्डरिंग? सर सोल्डरिंग होता यह है कि दो मतलब सूक्ष्म धातुओं के बीच सर, कंडक्टर के बीच सर वो ज्वाइंट लगा देता है। सोल्डरिंग के द्वारा हम ज्वाइंट लगा सकते हैं।
सर ये मतलब कच्चा सोल्डिंग कहते हैं इसको, अगर कच्चा सोल्डिंग करना होता तो वो सर सोल्डरिंग के द्वारा हम कर सकते हैं। अगर सर मोटे मोटे दे कंडक्टर के जोड़ना रहता है तो वो सर नहीं कर पाएगा, वो सर थे हाई सोल्डरिंग में जाता है, वो अच्छा वेल्डिंग चलिए जिसे ठीक बोलते है, हैं यानी कि पतले पतले तारों को आपस में जोड़ने के लिए, टाका अच्छे करने के से लिए। जॉइंट लगाने के लिए, जी सर, मजबूती से जॉइंट लगा हुआ रहे तो उसके लिए हम लोग सोल्डरिंग का सोल्डरिंग उपयोग करते हैं। करते हैं। और जो उपयोग हम लोग करते हैं जो सोल्डरिंग का, उसको सॉफ्ट सोल्डरिंग या सॉफ्ट सोल्डर के द्वारा किया जाता है। जी सर, तो ज़रा बताइए कि सॉफ्ट सोल्डर किस चीज़ का बना होता है? ये सर लेड और टिन का बना होता है, लेड और टिन का। टेन का बना होता है। जी अच्छा ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक हेलमेट रखा हुआ है आपका, जी सर, ठीक है, तो इसमें कुछ पार्ट्स का नाम बताइए तो हमें। सर ये सेफ्टी हेलमेट है सर, ये इसका ये बाहर वाला सिरा को पिक बोलते हैं, अच्छा ये इस वाले को पीक पिक बोलते हैं। बोलते हैं। जी अच्छा सर, ठीक, ये ऊपर वाला है सर, इसको सेल बोलते हैं। अच्छा सेल बोलते हैं। जी सर, अब ये एक सर ये जो पट्टा रहता है इसको चिन बैंड बोलते हैं। अच्छा चिन स्ट्रिप है या चिन बैंड। जी सर, और सर ये जो पूरा आता है ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं हार्नेस, और सर ये जो ऐसे लाइनिंग टाइप जो है उसको सर बोलते हैं क्रेडल। अच्छा ठीक है। जी चलिए सर, यहाँ पे एक जो है कि पट्टा लगा हुआ रहता है, इसमें तो नहीं है, पर एक यहाँ पे ब्लैक कलर का पट्टा लगा हुआ रहता है, यहाँ उसको क्या बोलते हैं? हाँ सर उसको स्वीट बैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्वीट बैंड, स्वेट बैंड। स्वेट बैंड। जी सर, स्वेट बैंड। बैंड ठीक है, रख दीजिए। जी सर, मोटर के बारे में जानकारी है आपको, जी सर, क्या होता है मोटर? सर मोटर सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेकर मैकेनिकल एनर्जी देता है सर। अच्छा तो कुछ ऐसा उदाहरण बता सकते हैं जो इस रूम पे हमारे हो, जो मोटर का एग्जाम्पल देता हो? सर इस रूम में फैन सर, फैन। फैन पंखा में एक सर मोटर है। मोटर लगा होता है। जी अच्छा सर, फैन में मोटर लगा हुआ लगा है। हुआ है, ठीक जी है। अच्छा ये बताइए कि अगर हमारे पास 12 वोल्ट का बैटरी है, तीन जी सर, 12 12 वोल्ट का तीन अलग अलग बैटरी है, जी उसको अगर हम सीरीज में जोड़ दिएंगे, जी सीरीज में अगर जोड़ देंगे तो उसके टोटल वोल्टेज, जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो हमें कितना मिलेगा? सर ये सीरीज में जोड़ने के बाद सर वोल्टेज बढ़ जाता है, तो सर तीनों को अगर जोड़ेंगे तो 36 वोल्ट हो जाएगा। 36 वोल्ट हो जाएगा। जी अच्छा, सर, और अगर वही बैटरी हमारा जो 100 AH का है, एम्पियर आवर का, 100 AH 100 AH तीनों है, जी 12 सर, वोल्ट 100 AH का है, सीरीज में ही जोड़े हैं, जी सर, तो जैसे आप बोल रहे कि वोल्टेज तो बढ़ गया आपका 36 हो गया, जी सर, तो उसके करंट कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? सर करंट सर सेम ही रहता है। करंट वाला कैपेसिटी यानी कि सेम रहेगा, यानी 100 AH का ही रहेगा। जी सर, चलिए ठीक है, गुड, अच्छी बात है। ये बताइए हमें जो MCB है जी सर, उसका फुल फॉर्म क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ब्रेकर क्या काम है उसका? सर ये सर्किट को सर तोड़ देता है, मतलब जो हमारे घर में लाइन आता है उसको सर और MCB को नीचे गिरा देने पर सर मेरा लाइन वहीं तक रुक जाता है। अगर घर में हमें कोई काम करना होता है तो हमें करंट मारने का कोई संभावना नहीं होता है। किस चीज से प्रोटेक्शन देता है हमें MCB? MCB सर ओवर वोल्टेज ओवर करंट से भी प्रोटेक्शन देता है। अच्छा, और फ्यूज? फ्यूज भी सर सेम ही है, फ्यूज फ्यूज भी और MCB सर एक ही टाइप का है, दोनों एक ही है, एक ही नहीं कोई कोई सर अंतर दोनों में? है सर। क्या फ्यूज अंतर है? सर, फ्यूज सर छोटा आता है और MCB बड़ा आता है। सर फ्यूज में होता ये है कि अगर वो उड़ गया फ्यूज तो उसे फिर से खोल कर उसमें कॉपर तार या कोई उसी का तार लगाया जाता है, और सर MCB में होता ये है कि अगर ओवर करंट आने के कारण या शॉर्ट सर्किट के कारण MCB गिरता है तो हम सर इसे बिना खोले उले कुछ किए सिर्फ MCB का दो पिन रहता है जो गिर जाता है उसे अगर उठा देते हैं तो मेरे घर में सप्लाई पहुंच जाता है। अच्छा चलिए ठीक है, काम तो आप ठीक बताए हैं, पर आप देखेंगे MCB और फ्यूज में अंतर, फ्यूज भी काफी बड़े बड़े होते हैं, जी सर, है ना, फ्यूज भी बड़ा रहता है, छोटा फ्यूज वो रहता है जो आप स्विच बोर्ड में इस्तेमाल करते हो, जी सर, वो फ्यूज आपका छोटा आता है, जी मेन में सर, जो आप मेन लाइन के लिए इस्तेमाल करते हैं वो वो भी किटकैट बड़ा फ्यूज आता जो है। रहता है वो अच्छा अच्छा वो भी बड़ा बड़ा रहता आता है। है। जी अब सर, MCB छोटा हो गया, फायदा हो रहा है, तभी हम लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई MCB का साइज छोटा है, फ्यूज आपका बड़ा है, ज्यादा जगह लेता है वो, देखने में अच्छा
नहीं लगता है। और ऑपरेशंस में क्या है, अगर फ्यूज उड़ जाएगा तो वहाँ पे मुश्किल होता है, उसको फिर वापस निकालिए, साफ करिए, बांधिए, वापस फिर लगाइए सर्किट में। तो हर कोई उसको यूज यानी कि हर कोई इसको ऑपरेट नहीं कर सकता है। एमसीबी अगर नीचे डाउन हो जाएगा शॉर्ट सर्किट होने पे या ओवरलोड होने पे, तो उसको कोई भी अगर आदमी आपके घर में है उनको आप अगर डायरेक्शन दे दीजिएगा कि भाई ऐसे करिए, तो वो उसका नॉब को ऊपर कर देंगे तो लाइन आ जाएगा, यानी उसको हैंडल करना, एमसीबी को हैंडल करना आसान है। चलिए ठीक है, आपका तो आंसर्स काफ़ी अच्छा रहा, गुड, ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।